वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक कॉन्सेप्ट क्लास में। और बहुत दिनों से मैं कॉन्सेप्ट क्लास लूंगा ये कह रहा था, तो कुछ बच्चे कमेंट बॉक्स में थोड़ा गुस्सा भी दिखा रहे हैं कि सर कॉन्सेप्ट क्लास कब लोगे, कॉन्सेप्ट क्लास कब लोगे। भाई देखो, ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ना कंटेंट, नॉर्मली कंटेंट भी आप देखोगे तो ये कंटेंट जो है कौन सी क्लास का आपके सामने है, BEGLA 138, और ये आपकी पहली 136 सॉरी, तो 136 का कंटेंट आपको दिखाई दे रहा होगा साफ साफ, और ये आपकी पहली कॉन्सेप्ट क्लास है। आप ऐसा मान के चलेंगे जिससे मैं आपको पेपर का पूरा पैटर्न बताते हुए कोई दो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो उम्मीद है इस लाइव क्लास में मेरी आवाज़ आपको साफ साफ सुनाई दे रही होगी और ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है दोस्तों। तो देखते हैं ये क्लास किस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। देखिए, सबसे पहली बात तो आप देख पा रहे हो BEGLA 136 जो आपका सब्जेक्ट कोड है, इसके मैंने कितने लगभग 3 या 4 क्वेश्चन पेपर सोल्व कराए थे, वो आप चेक कर लेना प्लेलिस्ट में। और इस सब्जेक्ट का नाम है आपका इंग्लिश एट वर्कप्लेस। तो इंग्लिश एट वर्कप्लेस के मैंने आपको लगभग 4 पेपर सोल्व कराए थे और 24 तारीख को इसका एग्जाम है दोस्तों इवनिंग शिफ्ट में, इतना आपने मुझे बताया था, नॉर्मल सी बातें। इसके अलावा आपको एक बात जरूर याद रखनी है कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, तो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिए टाइप ऑफ क्वेश्चंस। टोटल 9 टाइप्स बनते हैं, ये 9 के 9 टाइप्स में आपको 4 कॉन्सेप्ट क्लास में करा दूंगा। बिना फालतू के हल्ला मचाने कोई फायदा नहीं है। अभी आपके पास पूरे 2 दिन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो भी प्लस अभी आपको PDF भी मिल जाएगी। आप इसी वीडियो के जो आपका क्या है डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, टीम से PDF ले लो, उसमें सारे क्वेश्चंस मैंने सोल्व कर रखे हैं। फिर भी मैं इनकी क्या करूँगा, 1 by 1, जैसे आज की क्लास में मैं आपको मैचिंग की ट्रिक बताऊंगा और साथ साथ ये बताऊंगा कि कैसे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। मैचिंग ट्रिक और सेंटेंसेस बनाने की ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप मैचिंग करेंगे और कैसे आप सेंटेंसेस बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आपका आता है एग्जाम में वो आता है मैचिंग का। तो मैचिंग आपको करनी किस किस की होती है, एक तरफ तो आपका लिखा होगा वर्ड और दूसरी तरफ आपका कॉलम बी में लिखा होगा मीनिंग। तो इससे हमें एक बात तो समझ में आ जाती है कि अगर हमें पेपर में ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, मैचिंग वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ना दोस्तों अगर हमें पेपर में, तो हमें नॉर्मली करना क्या होगा, हमें ज्यादा से ज्यादा वर्ड मीनिंग्स पे फोकस करना होगा। हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना होगा दोस्तों, वर्ड मीनिंग पर हमें फोकस करना होगा, हमें सीखने होंगे ज्यादा से ज्यादा वर्ड मीनिंग। और एक बात मैं आपको बता दूं, कई बार ऐसा होता है 1-2 शब्द जो है वो कई बार मैच भी हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर कराऊंगा, इसके PYQs कराऊंगा। क्या कराऊंगा, प्रीवियस ईयर जितने भी वर्ड हैं वो आपको 2-3 क्लास में मैं करा दूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज तो थोड़ा सा स्टूडियो में टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही थी इसलिए मैं आपकी रेगुलर क्लास ले पाया, लेकिन कल सुबह 9 बजे से लेकर शाम तक आपको 3-4 क्लास दूंगा इसी की कॉन्सेप्ट क्लास। तब तो खुश हो आप, PDF भी दिखा दूंगा यहाँ खोल के, और PDF आप परचेज भी कर सकते हैं नॉर्मली, कोई बात नहीं है इतनी बड़ी, इसमें कोई बात नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, मैच द फॉलोइंग, मैंने आपको बताया वर्ड को किसके साथ आप मैच करेंगे, मीनिंग के साथ। वर्ड आपका लिखा होगा कॉलम ए में और मीनिंग लिखा होगा कॉलम बी में। इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन आपका आता है वो मेक द सेंटेंसेस आता है, वहां पे आपको कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, कुछ शब्द दिए जाएंगे और उससे आपको क्या बनाने होंगे दोस्तों, सेंटेंसेस बनाने होंगे। लेकिन वर्ड से सेंटेंसेस आप तब बना सकते हैं जब वर्ड का मीनिंग आपको पता हो। तो घुमा फिरा के दोनों क्वेश्चन सेम टाइप के क्वेश्चन है, इनके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज किस चीज की होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए आपको किसकी दोस्तों, वर्ड मीनिंग की नॉलेज आपको सबसे ज्यादा यहाँ पर होनी चाहिए। फिर एक क्लास में आपकी इस पर लूंगा, ये इस क्लास में तो मैं आपको मैचिंग और सेंटेंसेस बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि एक्टिव से पैसिव वॉइस आप कैसे बना सकते हैं, चाहे कोई भी एक्टिव वॉइस आपको दिया उसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे काफी ज्यादा चीजें पूछी जाएगी, या तो आपसे पूछ सकता है कि आपको करेक्ट फॉर्म यूज करनी है, करेक्ट फॉर्म यूज करनी है आपको किस किस की, एक तो बी की फॉर्म यूज करनी आपको आनी चाहिए, वर्ब की करेक्ट फॉर्म यूज करनी आनी चाहिए आपको, करेक्ट प्रेपोजिशन यूज करनी आनी चाहिए प्रेपोजिशन, साथ साथ आपको कंडीशनल्स का यूज करना आना चाहिए, किसका, कंडीशनल्स का यूज करना आना चाहिए, कंडीशनल्स का यूज करना आपको दोस्तों आना चाहिए। इन 4 पर क्वेश्चन आ रहे हैं किसके, फिल इन द ब्लैंक्स के, तो ये 4 कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने हैं अपने। इसके अलावा अगर बात करें तो 5वां क्वेश्चन हमेशा शॉर्ट नोट पर आता है, और किसी भी चीज का शॉर्ट नोट आपको कैसे लिखना होता है वो भी मैं इस लास्ट क्लास में आपको जरूर बताऊंगा, इसी क्लास के लास्ट में बता दूंगा कि शॉर्ट नोट कैसे हम लिखते हैं, किस पैटर्न पे हम लिखते हैं। शॉर्ट नोट के लिए सबसे जरूरी क्या है, आपको कोई भी चीज ना शुरू करनी आनी चाहिए, सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने के बाद उसका क्या लिखना है, उसके मेन कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, है ना, मेन पॉइंट्स लिखने हैं, और फिर उसको क्या कर देना है, अंत में आपको समराइज कर देना है। इसके 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लास में दूंगा। इसके अलावा अगर बात करें प्रिपेयरिंग अ CV, आपको CV बनाना आना चाहिए, करिकुलम विटे बनाना चाहिए, और उसमें एक्सपीरियंस कैसे लिखते हैं, है ना, उसमें कहीं ना कहीं हम क्या लिखते हैं, इंटरेस्ट लिखते हैं, हॉबीज लिखते हैं, तो कौन सी चीज़ कैसे इसमें लिखी जाती है, एक CV आपको फॉर्मेट क्लास में मैं दिखाऊंगा और उसके थ्रू मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपको ये चीज़ें अटेम्प्ट करनी है इन द पेपर।
इसके अलावा अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो जो पेपर में आता है, दैट इज जॉब लेटर। अगला आता है जॉब लेटर, और जॉब लेटर में ना दोस्तों दो चीजें आपको बनानी होंगी। एक तो आपको बनाना होगा लेटर, लेटर के साथ आपको बनाना आना चाहिए बायोडाटा। क्या बनाना आना चाहिए आपको? बायोडाटा भी बनाना आना चाहिए दोस्तों। इसके अलावा 10 questions, क्या 10 questions, यानी 10 questions आपको बनाने आने चाहिए। अबे 10 questions आपको कैसे बनाने? आप किसी कंपनी के हेड या मैनेजर होंगे, आपको किसी व्यक्ति का इंटरव्यू लेना होगा, तो इंटरव्यू में आप कौन से वो 10 questions पूछेंगे? वो 10 questions आपको घर से ही रट के जाने हैं, वो क्वेश्चन घर से रट के जाने हैं। प्रेजेंटेशंस कैसे प्रिपेयर की जाती है, कोई भी आपको टॉपिक दे दिया जाएगा और उस पर प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कहा जाएगा। तो ये कुछ आपका एग्जाम का पैटर्न है, और इनको मैं वन बाय वन एक एक कॉन्सेप्ट क्लास में करा दूंगा, 4-5 कॉन्सेप्ट क्लास में खत्म सिलेबस। सबसे पहले मैं आज आपको ये कराता हूँ, तो चलिए करते हैं क्लास को शुरू। मैचिंग, और क्या कराता हूँ आपको? ये कराता हूँ मेक सेंटेंसेस। डन दोस्तों, चलिए सबसे पहले करते हैं हम ये। ये कुछ प्रीवियस ईयर मैंने आपके लिए लिए हैं। ये कहाँ से हैं? ये आपको कुछ क्या दिए गए? वर्ड दिए गए हैं, है ना? ये कुछ वर्ड दिए गए हैं, ये कुछ वर्ड दिए गए हैं, और इधर साइड में मैंने क्या किया है, इनके करेक्ट मीनिंग लिखे हैं। ये क्या लिखे हैं? मैंने इनके करेक्ट मीनिंग लिखे हैं, ताकि आप इन्हें कर ले नोट, और अगर पेपर में ये वर्ड रिपीट होता है तो आप क्या कर पाएं, आप इसका सही अटेम्प्ट पेपर को कर पाएं। इसलिए मैंने करेक्ट मीनिंग लिखे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है पेपर में यही वर्ड रिपीट हो जाते हैं। यही वर्ड क्या हो जाता है? पेपर में रिपीट हो जाते हैं। आप देख लेना, एटिकेट एक शब्द आएगा, वो पेपर में कई बार रिपीट हुआ है। ब्रेन वेव एक शब्द आएगा, वो बार बार रिपीट हुआ है। डन, क्योंकि ये वो वोकैब होती है जो कि आपकी वर्क प्लेस पे यूज होती है। याद रखिए, इंग्लिश कहाँ की बात हो रही है? इंग्लिश की, ये इंग्लिश एट वर्क प्लेस है। वर्क प्लेस यानी काम करने की जगह पर जो वोकैब यूज होती है, वही आपसे यहाँ पर पूछी जाती है दोस्तों। चलिए मैं बताता हूँ कैसे पूछी जाती है और कैसे आपको इसे अटेम्प्ट करनी है। सबसे पहला वर्ड आता असर्टिव। असर्टिव, असर्टिव का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? असर्टिव का मीनिंग होता है जब हम एक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी हो। असर्टिव मतलब सकारात्मक हमारी सोच हो, हमारा व्यक्तित्व सकारात्मक हो, हमारी पर्सनैलिटी सकारात्मक हो, तो उसे हम कहते हैं क्या? असर्टिव। असर्टिव का मीनिंग क्या हुआ? हैविंग यानी रखना, और शोइंग यानी दिखाना। हैविंग का मतलब क्या होता है? अपने पास रखना या होना, और शोइंग मतलब दिखाना। क्या दिखाना? अ कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी, अपनी एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी दिखाना। यानी कि असर्टिव का अगर सिमिलर वर्ड देखा तो क्या बना? कॉन्फिडेंट। और कॉन्फिडेंट का मीनिंग क्या होता है दोस्तों? वो आप कर लेंगे नोट। कॉन्फिडेंट का मीनिंग जो होता है आपका, कॉन्फिडेंट का मीनिंग होता है आपका आत्मविश्वासी, या आप कह सकते हैं जिसके अंदर क्या हो? आत्मविश्वास हो। जिसके अंदर क्या हो दोस्तों? जिसके अंदर हो आत्मविश्वास। आत्मविश्वास, क्लियर दोस्तों? तो आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंट जिसे हम कह सकते हैं, है ना? तो जब किसी व्यक्ति के पास आत्मविश्वास होता है, या जब किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा पॉजिटिव होती है, तो हम उसे कहते हैं असर्टिव क्वालिटी ऑफ मैन। असर्टिव, असर्टिव शब्द का मीनिंग आपको समझ में आया। दूसरा आता है इंटेरोगेट। इंटेरोगेट जो शब्द है, इंटेरोगेशन से बना है। आपने सुना होगा पुलिस जो है उसको क्रिमिनल को या फिर थीफ को क्या कर रही है? इंटेरोगेट कर रही है, उसकी इंटेरोगेशन चल रही है, यानी उससे क्वेश्चन आंसरिंग सेशन हो रहा है। तो जब हम की से क्या करते हैं? कोई क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों। क्या पूछते हैं? जब हम की से कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड इंटेरोगेट। क्या यूज करते हैं? इंटेरोगेट। इंटेरोगेट से एक शब्द बनाए, क्या? इंटेरोगेशन। क्या बनाए? इंटेरोगेशन। इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़े ना आपने, जिसमें WH फैमिली वर्ड का यूज होता है, वहीं से ये वर्ड निकला है आपका। कौन सा? इंटेरोगेट वर्ड आपका वहीं से निकला है। तो उम्मीद है आपको वर्ड के मीनिंग समझ में आ रहे होंगे, और आप इन्हें नोट भी कर रहे होंगे, क्योंकि इनमें से काफी वर्ड दोस्तों रिपीट भी हो सकते हैं, है ना? थोड़ी सी क्लास लंबी चलने वाली है, तो लाइव क्लास में आप मेरे साथ जुड़े रहिए, और ऐसे ही कॉन्सेप्ट क्लास पेपर से पहले मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराकर दूंगा, इसकी आप गारंटी ले सकते हैं मुझसे। डन। इसके अलावा अगर बात करें हम, अगला वर्ड आता है आपका कमेंडेशन। क्या आता है? कमेंडेशन। कमेंडेशन का मतलब होता है प्रेज। प्रेज का मतलब क्या होता है? किसी की तारीफ करना, प्रशंसा करना। क्या करना? किसी की प्रशंसा करना होता है क्या आपका? कमेंडेशन। तो जब भी आपका ये वर्ड आए कमेंडेशन, तो आप इसे किसके साथ मैच करेंगे? ये वर्ड मैचिंग है, ये याद रखिए, मैचिंग ट्रिक है आपकी, कि वर्ड के साथ हम क्या कर रहे हैं? मीनिंग को मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैचिंग के क्वेश्चन है आपके। कमेंडेशन होगा, और कहीं पर लिखा होगा टू प्रेज समवन। क्या लिखा होगा? टू प्रेज समवन। तो क्या, अगर टू प्रेज समवन लिखा हो तो आप किसके साथ उसे मैच करेंगे? कमेंडेशन के साथ मैच करेंगे, क्योंकि कमेंडेशन का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, किसी को कमेंड करना। डन। इसके अलावा अगला आता है अडेप्टेबिलिटी। जो अडेप्टेबिलिटी शब्द है, अडेप्ट से बना है। किससे बना है? अडेप्ट से। और अडेप्ट का मतलब होता है किसी के साथ एडजस्ट करना। क्या करना? एडजस्ट करना।
तो अडेप्टेबिलिटी मतलब अडेप्टेबिलिटी, अडेप्ट करने की योग्यता, द क्वालिटी ऑफ एडजस्टमेंट, द क्वालिटी ऑफ एडजस्टमेंट किसी के साथ समायोजन करने की क्षमता, एडजस्टमेंट यानी समायोजन, जब हम किसी के साथ समायोजन कर लेते हैं उस क्षमता को हम कहते हैं क्या, द क्वालिटी ऑफ एडजस्टमेंट, या हम इसे कह सकते हैं अडेप्टेबिलिटी, क्या कह सकते हैं अडेप्टेबिलिटी। किसी भी नौकरी में कहाँ यूज होता है, हम जब नौकरी एक जगह से दूसरी जगह हमारा ट्रांसफर हो जाता है तो हमारे साथ दिक्कत क्या आती है एडजस्टमेंट करने की, है ना, आने जाने के साधनों में एडजस्ट करना, हाउस को शिफ्ट करना और सैलरी के साथ एडजस्टमेंट करना। तो व्यक्ति के अंदर ये जरूर होनी चाहिए, क्वालिटी जरूर होनी चाहिए, नौकरी जब वो कर रहा है तो ये क्वालिटी जरूर होनी चाहिए, उसके अंदर अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, द क्वालिटी ऑफ एडजस्टमेंट उसके अंदर जरूर होनी चाहिए। इतनी बात आपको क्लियर हुई। इसके अलावा कल्चरल कॉम्पिटेंस, कल्चरल कॉम्पिटेंस, कल्चर मतलब संस्कृति, कॉम्पिटेंस यानी क्षमता, यानी एक ऐसी क्षमता जिससे सोसाइटी में क्या कर पाए, बिहेवियर कर पाए। तो सोशल बिहेवियर यानी सामाजिक व्यवहार, सामाजिक व्यवहार को हम कहते हैं कल्चरल कॉम्पिटेंसी, या फिर सांस्कृतिक क्षमता भी कह सकते हैं सामाजिक व्यवहार को। तो उम्मीद है इतनी बात आपको दोस्तों क्लियर हो गई होगी, बिल्कुल नॉर्मल सी बात मैंने आपको ये बताई। इसका आप ले लेंगे स्क्रीनशॉट, फिर इसके बाद मैं आपको अगला वर्ड बताता हूँ दोस्तों जो कि आपका मेन होने वाला है। डन, देखिए चीज़ों को समझने की आप कोशिश कीजिए। अगले वर्ड की अगर हम बात करें तो अगला शब्द है आपका प्रायर, और जो प्रायर शब्द है इससे एक नाउन बनता है प्रायोरिटी। क्या बनता है? प्रायोरिटी, प्राथमिकता। प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है? प्राथमिकता होता है दोस्तों। क्या होता है? प्राथमिकता। और प्राथमिकता का मतलब क्या होता है? जो डोमिनेंट हो, डोमिनेंट का मतलब जो सबसे ज्यादा प्रभुत्व में हो, जो किस में हो, प्रभुत्व में हो, या जो प्रमुख हो, जो क्या हो, प्रमुख हो। यानी कि आपके प्रायर का मतलब क्या होता है? हेड। प्रायर का मतलब क्या होता है? या तो हेड होता है, या प्रायर का मतलब क्या होता है दोस्तों? डोमिनेंट होता है। तो जब भी आपको प्रायर वर्ड मिले तो आप प्रायोरिटी से उसे जोड़ेंगे, और प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है? प्राथमिकता होता है दोस्तों। डन। इसके अलावा इनिशियलाइज का मतलब किसी के अंदर कोई क्वालिटी डाल देना, या किसी को किसी कंडीशन में डाल देना, इनिशियलाइज कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको किसी कंडीशन में रख दिया गया तो यू विल से पुट इन द कंडीशन। जब आपको किसी कंडीशन में रख दिया जाता है, पुट इन द कंडीशन, तो उसे कहते हैं इनिशियलाइज। क्या कहते हैं? इनिशियलाइज, इनिशियलाइज या स्टार्ट समवन, ठीक है। इसके अलावा ब्रेन वेव, ब्रेन यानी दिमाग, वेव यानी तरंगे। तो दिमाग में जो इलेक्ट्रिकल वेव्स आती हैं उन्हें कहते हैं क्या? ब्रेन वेव्स, इलेक्ट्रिकल वेव्स इन माइंड। दिमाग में बहुत सी तरंगे चलती रहती है, अभी भी चल रही होंगी, सर पेपर है, पेपर है, पेपर है, जल्दी कॉन्सेप्ट क्लास लो, तो उन्हें हम कह सकते हैं ब्रेन वेव्स। डन। कंसाइज का मतलब होता है ब्रीफ, छोटा रूप। कंसाइज का मतलब क्या होता है? छोटा रूप। क्या होता है कंसाइज? जैसे कहते नहीं कंसाइज फॉर्म में बता दो सर, छोटा फॉर्म में बता दो, समरी शब्द आप इस्तेमाल करते हो, तो कंसाइज का मतलब क्या होता है दोस्तों? छोटा रूप होता है। क्या होता है? छोटा रूप। और ब्रीफ का मतलब होता है संक्षिप्त, ब्रीफ का मतलब क्या होता है दोस्तों? संक्षिप्त होता है, संक्षिप्त। इतनी बात आपको याद रहेगी। अगला आता है टैंगिबल, टैंगिबल का मतलब क्या होता है? कंक्रीट या सेंस ऑफ टच, यानी जिसको छुआ जा सके, जो क्या हो, मूर्त हो, है ना, और जो स्पर्श योग्य हो, जो क्या हो, स्पर्श योग्य हो। हिंदी मीनिंग अगर आपको पता चल जाएगा तो आप नोट कर लेंगे, उसे हम टैंगिबल कहते हैं, जिसको टच किया जा सके। जैसे पेन क्या है दोस्तों? ये पेन क्या? ये टैंगिबल है, है ना। ये क्या? ये बोर्ड क्या? ये भी टैंगिबल है। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड या तो टैंगिबल है या नॉन टैंगिबल है, या फिर आप इसे कह सकते हैं कंक्रीट। कौन सा शब्द आप इसके लिए यूज करेंगे? कंक्रीट शब्द यूज करेंगे, जिस चीज को क्या किया जा सके, टच किया जा सके, विच कैन बी टच, उसे हम कहते हैं टैंगिबल। याद रहेगा इतने शब्द, ये सब प्रीवियस ईयर के वर्ड है। अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए होंगे तो आपको वहां पर यह शब्द जरूर देखने के लिए मिलेंगे। अगला वर्ड आप देखिए एग्रेसिव। अगला वर्ड क्या है दोस्तों? अगला वर्ड है आपके लिए एग्रेसिव। एग्रेसिव का मतलब क्या होता है? इसके अंदर एग्रेशन हो, गुस्सा हो, जिसके अंदर बहुत ज्यादा क्या हो, आक्रामक क्षमता हो। एग्रेसिव का मतलब होता है हिंदी में आक्रामक। क्या होता है दोस्तों? एग्रेसिव का मतलब आक्रामक, आक्रामक, आक्रामक। आक्रामक व्यवहार का मतलब क्या? रेडी टू अटैक, जो हमेशा हमला करने के ऊपर रहता हो। अटैक मतलब हमला, जब हम किसी के ऊपर हमला करने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं तो वी विल से ही इज वेरी एग्रेसिव, उसके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सीला स्वभाव हो, कभी भी किसी पर भी हमला कर सकता है। हेक्टिक का मतलब होता है भीड़ भाड़ वाला इलाका, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं हेक्टिक का मतलब होज पोज होना। हेक्टिक के लिए शब्द यूज होता है होज पोज। यहाँ पर मैंने आपके लिखा हॉट ब्लडेड, हॉट ब्लडेड का मतलब होता है गर्म खून। इससे आप समझ जाएंगे हेक्टिक मतलब क्या होता है, हॉट ब्लड का मतलब क्या होता है गर्म खून। इसको किसके साथ मैच करेंगे? हेक्टिक के साथ मैच करेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा हेक्टिक का मतलब होता है हलचल होना। क्या होना? हलचल होना। या आप इसकी जगह वर्ड यूज कर सकते हैं मूवमेंट। क्या कर सकते हैं? मूवमेंट होना, किसी चीज में मूवमेंट होना। डन। क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है काल क्रम अनुसार, काल क्रम अनुसार, है ना, काल क्रम अनुसार जो चीजें होती हैं उसे हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल। अब काल क्रम अनुसार का मतलब क्या है? जो किसी ऑर्डर को फॉलो कर रही हो, फॉलोइंग द ऑर्डर, है नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक के बाद एक क्लास लेंगे। अब मैंने आपको जितने टाइप के क्वेश्चंस बताए ना, उन्हीं के बेस में मैं एक के बाद एक क्लास आपके लेता चला जाऊंगा कॉन्सेप्ट। तो वो क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हो रहा है, एक के बाद एक हो रहा है, फॉलोइंग द ऑर्डर।
आर्टिफैक्ट क्या होता है, आर्टिफैक्ट का मतलब होता है आर्ट, मतलब होता है कला, और इफेक्ट का मतलब यहाँ पर किससे, हाथ से, आपने हैंडीक्राफ्ट सुना होगा, आर्टिफैक्ट की जगह आप हैंडीक्राफ्ट भी कह सकते हैं इसे, क्या कह सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट क्या होता है, जिसे आप हैंडक्राफ्ट भी कहते हैं, वो ये होता है हाथ से बनी हुई सिल्क की वस्तुएं। तो आर्टिक्राफ्ट भी ये होता है ऑब्जेक्ट मेड बाय ह्यूमंस, ह्यूमंस के द्वारा बनाई गई वस्तुओं को हम कहते हैं आर्टिफैक्ट। इसके अलावा क्रेडेंशियल्स, क्या कहते हैं, क्रेडेंशियल्स, क्रेडेंशियल्स क्या होते हैं, अचीवमेंट्स। फॉर एग्जांपल आप किसी नौकरी में और आपने बहुत सारी चीजें हासिल कर ली, जैसे आपको बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला, इसके अलावा आपको क्या मिला, आपने बहुत ज्यादा इंसेंटिव हासिल किया है, तो वो सब चीजें क्या कहलाती हैं, आपकी क्रेडेंशियल्स कहलाती हैं, आपकी अचीवमेंट जो होती है, और अचीवमेंट को आप उपलब्धि के नाम से जानते हैं, बात तो आपको पता होगा। तो क्रेडेंशियल्स भी क्या होते हैं, उपलब्धि ही होती है आपकी। इनिशिएट का मतलब होता है किसी चीज को शुरू करना दोस्तों। अब फॉर एग्जांपल पेपर्स में आपसे यही पूछ ले जाए कि इनिशिएट सबसे क्या कीजिए, कोई सेंटेंस बना के दिखाइए, तो याद रखिए आप ऐसे बना सकते हैं, कंपनी कंपनी शुड इनिशिएट न्यू प्लान्स, है ना। तो कंपनी को क्या करने चाहिए, शुरू करने चाहिए नए प्लान्स, नई योजनाएं शुरू करनी चाहिए, कंपनी शुड इनिशिएट न्यू प्लान्स, तो कंपनी को नए नए प्लान्स लागू करने चाहिए। तो उम्मीद है इतने से कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए और उनके मीनिंग्स बताए ताकि आप पेपर में क्या कर पाएं दोस्तों, ताकि आप पेपर में कहीं ना कहीं वर्ड को सही मीनिंग के साथ मैच कर पाएं और जो मैचिंग वाला क्वेश्चन है वो आपका एकदम परफेक्ट हो जाए। अगर मैचिंग वाला क्वेश्चन आपका परफेक्ट हो जाएगा ना दोस्तों, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी पेपर में, उसका एक फ़ायदा और भी होने वाला है। क्योंकि अगर मैं आपको थोड़ा सा ये आइडिया दे दूँ ना किस तरीके से हम कर रहे हैं, है ना, तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा कि सर जो मैचिंग वाला क्वेश्चन होता है, मैचिंग वाले क्वेश्चन में आपके पास एक चीज़ जरूर होनी चाहिए, वोकैब पावर। क्या होनी चाहिए, वोकैबलरी आपकी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए दोस्तों, है ना। क्योंकि मैं कितनी भी वोकैब करा दूँ, इसलिए तो आप कॉन्सेप्ट क्लास तो कह रहे हैं, लेकिन दुनिया की ऐसी कोई कॉन्सेप्ट क्लास नहीं बनी जो आपको सारे शब्द रटवा दे। वो तो आपको बुक खोल कर नए नए जितने भी शब्द वहाँ पर आ रहे हैं बुक में, बुक देखो और उनके हिंदी मीनिंग रट के जाने पड़ेंगे, तब जाके आप ये सही मैचिंग कर पाएंगे। या तो आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए दोस्तों, डन। इसके अलावा अब आपको करना क्या है, मेक सेंटेंसेस, आपको सेंटेंसेस बनाने इन शब्द से। ऐसा क्वेश्चन आता है ना पेपर में, यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, आपको उन्हें सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, चाहे आप उनसे टेंस बनाओ, चाहे आप उन्हें मोडल्स में यूज करो, किसमें यूज करो, चाहे आप उन्हें मोडल्स में यूज करो जैसे कैन, कुड, मे, माइट, और चाहे आप उनसे कंडीशनल्स बनाओ, क्या बनाओ, चाहे उनसे आप कंडीशनल्स बनाओ, इस बात की आपको छूट होती है। पर मैं आपको हमेशा यही सलाह दूंगा कि हमेशा मोडल्स का यूज करो, हमेशा किसका यूज करो, मोडल्स का। मैं भी ज्यादातर मोडल्स का यूज करता हूँ, देखो दिखाऊं कैसे यूज करता हूँ मैं मोडल्स का। देखो मैंने यहाँ पर किसका यूज किया, मस्ट मोडल है, शुड का यूज मैंने किया है, है ना। बाकी किसका यूज करो, अगर आपसे मोडल का यूज नहीं हो रहा तो किसका, बी की फॉर्म का यूज करो। बी की फॉर्म क्या होता है, या तो वाज वर्स से सेंटेंस बनाने की कोशिश करो, या आप किससे करो, इज, एम और आर से बनाने की कोशिश करो, बहुत सिंपल से सेंटेंस बन जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे, डन। इतनी बात आपको याद रहेगी, ठीक है। देखो कन्वे, कन्वे का मतलब होता है किसी को कोई चीज देना, प्रदान करना, टू गिव समवन, है ना। अब देखिए इससे मैंने क्या बनाया, पाइप्स वर लेड टू कन्वे वाटर टू हाउसेस, यानी पाइप जो बिछाए गए हैं, जो पाइप्स बिछाए गए हैं, लेड किए गए हैं, वो क्या करते हैं, वो कन्वे करते हैं। देखो कन्वे वर्ड का इस्तेमाल किया, क्या कन्वे करते हैं, पानी देते हैं, और किसको देते हैं, हाउसेस को देते हैं। तो एक अच्छा सेंटेंस बनाया ना मैंने कि घरों में जो पानी आता है वो किसके द्वारा कन्वे किया जाता है, पाइप्स के द्वारा कन्वे किया जाता है, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, आर यू सर्स क्लास कन्वे अ डिफरेंट मीनिंग इन द इंग्लिश लैंग्वेज, तो मेरी क्लास तुम्हें एक अलग ही मीनिंग प्रोवाइड कराती है, कन्वे कराती है। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, इसका सेंटेंस बना सकते हैं। एसेस का मतलब होता है किसी को इवेल्युएट करना, किसी का मूल्यांकन करना। तो कमेटी मस्ट एसेस द रिजल्ट्स, तो जो कमेटी है, जो समिति है, उसे क्या करना चाहिए, एसेस करना चाहिए, उसे एसेस करना चाहिए किसको, रिजल्ट्स को। जितने भी रिजल्ट निकले उनको एसेस करना चाहिए, उन्हें जांचना चाहिए कि वो रिजल्ट्स ट्रू निकले या फॉल्स निकले, यानी सही निकले या गलत निकले हैं दोस्तों। इतनी बात आपको क्लियर हुई। फिर आता है अपडेट, अपडेट का मतलब होता है प्रोन्नति करना। समय के अनुसार हर चीज में अपडेट होते हैं, मोबाइल में भी अपडेट होते हैं, जिंदगी में भी अपडेट होते रहते हैं। अपडेट का मतलब होता है अप टू डेट, डेट के अनुसार आपने आपको क्या कर लेना, उन्नत बना लेना, प्रोग्रेसिव बना लेना। तो यू शुड अपडेट योर प्रोफाइल, इवन यू कैन से यू शुड अपडेट योर डीपी, डेस्कटॉप प्रोफाइल होती है, डीपी है, डिस्प्ले प्रोफाइल भी जिसे आप कहते हो। तो आपको अपनी प्रोफाइल क्या कर लेनी चाहिए, अपडेट कर लेनी चाहिए। पूरे दिन कहते हैं ना हमें, आपको अपनी फोटो अपडेट कर लेनी चाहिए व्हाट्सएप पे, उस पर आपकी फोटो सही नहीं लगती, डन। तो इस तरीके से अपडेट का यूज कर सकते हैं आप। म्यूचुअल क्या होता है, दो लोगों के बीच में सगे संबंध, जो खास होते हैं उन्हें म्यूचुअल कहते हैं। जैसे आपने फेसबुक में पढ़ा होगा म्यूचुअल फ्रेंड आता है ना, तो म्यूचुअल से मैंने एक सेंटेंस आपके लिए बनाया, वी वर इंट्रोड्यूस बाय अ म्यूचुअल फ्रेंड। तो हम दोनों आपस में कैसे मिले, हम दोनों कैसे मिले, फॉर एग्जाम्पल ये मैं हूं और ये आप हो,
है ना। तो हम दोनों आपस में मिले कैसे, हम दोनों कैसे मिले, एक म्यूचुअल फ्रेंड के कारण मिले, जो आपको भी जानता था और मुझे भी जानता था, तभी तो हम मिल पाए। तो एक म्यूचुअल फ्रेंड का मतलब ये होता है जो बहुत खास मित्र होगा उसके थ्रू हम मिले। इसके अलावा एटिक्वेट क्या होते हैं दोस्तों, एटिक्वेट होते हैं शिष्टाचार। क्या होते हैं दोस्तों, शिष्टाचार को कहते हैं एटिक्वेट्स, यानी कुछ ऐसे रूल्स जो हमें फॉलो करने चाहिए। हर जगह के एटिक्वेट्स अलग होते हैं। फैमिली में जैसे अब्यूजिव लैंग्वेज, गाली का इस्तेमाल हम फैमिली में नहीं कर पाते तो वहाँ के शिष्टाचार अलग होते हैं। कंपनी में हम घर की तरह नहीं रह पाते तो वहाँ के एटिकेट्स अलग होते हैं, है ना। तो एटिकेट्स का मतलब शिष्टाचार होता है। इसके लिए मैंने क्या सेंटेंस आपके लिए बनाया, द रूल्स ऑफ एटिकेट्स, यानी शिष्टाचार के जो नियम है, शिष्टाचार के जो क्या है दोस्तों, नियम है, आर चेंज, अब बदल गए हैं। अब हर जगह शिष्टाचार के नियम बदल गए। अब स्कूल में बच्चे बदतमीजी से बात करते हैं, ट्यूशन में भी और घरों में भी नॉर्मली डबल मीनिंग वर्ड का इस्तेमाल तो अब नॉर्मल हो गया जब से इंस्टाग्राम आया। तो द एटिकेट्स ऑफ द सोसाइटी हैज बीन चेंज, कर दिए गए हैं कह सकते हैं, या वर्ड चेंज कर दिए गए थे ऐसे भी आप कह सकते हैं, और आर चेंज मतलब हो गए हैं, अब एटिकेट्स और शिष्टाचार चेंज हो गए हैं दोस्तों। तो उम्मीद है आपको दो क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ये दो क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आज आपके कॉन्सेप्ट क्लास मैंने इस पे ली थी, एक तो मैंने आपको मैचिंग सिखाई, वर्ड्स और मीनिंग्स बताए कुछ, और एक आपको सिखाया कैसे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, किस किस फॉर्म में आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगली क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस कैसे बनाने, इनकी प्रैक्टिस कराऊंगा और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स कराऊंगा दोस्तों। तो उम्मीद है क्लास आपको कॉन्सेप्ट अच्छी लगी होगी, आगे भी हम ऐसे ही बढ़ते रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा हमें शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।